वर्ष की कानूनी लड़ाई के बाद आर्ट एंड क्राफ्ट का रेगुलर डिप्लोमा करने वाले लोगों को मिली जीत। हरियाणा में जून 2006 में हुई आर्ट एंड क्राफ्ट भर्ती मामले में रेगुलर डिप्लोमा करने वाले आवेदन धारकों को 14 वर्ष की कानूनी लड़ाई के बाद जीत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने दिए फैसले में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से क्रोस्पोंडेंट डिप्लोमा धारकों की भर्ती को अयोग्य माना है। आपको बता दें कि 6 जून 2006 में हरियाणा सरकार ने आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की 816 पोस्ट पर भर्ती निकाली थी, जिसमें 10वीं पास और 2 साल का डिप्लोमा मांगा गया था। लेकिन इस भर्ती में रेगुलर ITI से आर्ट एंड क्राफ्ट का डिप्लोमा करने के साथ साथ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से करीबन 60% क्रोस्पोंडेंट से डिप्लोमा करने वाले लोगों को भी शामिल कर लिया गया था, जिस पर रेगुलर डिप्लोमा करने वाले आवेदनकर्ताओं ने एतराज जताया और हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अब 14 साल की कानूनी लड़ाई के बाद रेगुलर डिप्लोमा धारकों की जीत हुई है। रेगुलर डिप्लोमा धारकों की पैरवी करने वाले एडवोकेट रणबीर सिंह यादव ने कहा कि सरकार ने गलत तरीके से भर्ती की थी, इसलिए माननीय अदालत ने कोरेस्पोंडेंट से डिप्लोमा करके भर्ती होने वाले लोगों को अयोग्य माना है। कोर्ट के इस फैसले के बाद रेगुलर डिप्लोमा करने वाले याचिकाकर्ताओं में खुशी का माहौल है, जिनमें से प्रदीप बोहरा, रवि यादव, अजय कुमार, धर्मानंद, राहुल यादव, नितिन कुमार, नितेश कुमार, राकेश सैनी, हंसराज आदि लोग नेहरू पार्क में एकत्रित हुए और केस की अगुवाई कर रहे प्रदीप बोहरा का माला पहनाकर स्वागत किया गया। साथ ही एक दूसरे को लड्डू खिलाकर खुशी जताई गई, जिनका कहना है कि हक की लड़ाई में कानूनी प्रक्रिया में समय जरूर लगा है, लेकिन उनकी जीत हुई है। ऐसे में जो आवेदनकर्ता रेगुलर डिप्लोमा धारक थे, जिनको कम नंबर आए थे, अब उन्हें भर्ती किया जाएगा। ये मामला था जी ड्राइंग टीचर का, जो आर्ट एंड क्राफ्ट का जो डिप्लोमा होता है, जो ड्राइंग टीचर की पोस्ट के लिए जो डिप्लोमा होता है वो ITI डिपार्टमेंट कराता था। जब से हरियाणा पंजाब अलग हुआ तब से रन बाई रन आ रहा था, शॉर्ट लिस्ट रहती थी। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एक डिप्लोमा जारी हुआ था 2003 से 2005 के बीच में, जो कोरेस्पोंडेंट से था। 2006 में उन्होंने फॉर्म भर दिए, डिपार्टमेंट ने उनको कहा कि आप इनके काबिल नहीं हो। उसको इन्होंने हाई कुरुक्षेत्र वालों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, वहाँ वो जीत गए थे। उस लड़ाई को हमने जारी रखा सुप्रीम कोर्ट में 14 साल। कल जजमेंट आया है अब्दुल नाजिर जी का और अपने कृष्ण मुरारी जी का, जो जज साहब है सुप्रीम कोर्ट में। हमारे एडवोकेट जी थे रणबीर यादव जी, उन्होंने बड़ी मेहनत करके ये रंग लाया है। उसमें ये जजमेंट दिया है कि सिर्फ ITI ही डिपार्टमेंट ही वैलिड था और वैलिड रहेगा। कुरुक्षेत्र का जो डिप्लोमा था कोरेस्पोंडेंट से, वो इस काबिल नहीं है और आगे भी नहीं रहेगा। और इसमें सिर्फ हमें हमारा हक मिला है 14.5 साल से। तो देखो, न्याय के लिए टाइम तो लगता ही है। सुप्रीम कोर्ट में हमारा 2007 में SLP सबमिट हो गई थी, अब 2021 में 14.5 साल बाद हमारा जजमेंट आया है। पर अभी भी हमें खुशी है कि हमें हमारा हक मिला है। बोला है कि भाई हम आपको ज्वाइन कराएंगे। ज्वाइनिंग के लिए जैसे आप लोग ने उस समय आवेदन किया था, तो क्या दोबारा अब आपको भर्ती करेंगे क्या? नहीं, दोबारा से हम शॉर्ट लिस्ट है, हमारे सभी साथी नौकरी लगेंगे। हम 600 के समथिंग बच्चे हैं, 816 पोस्ट है। जब ये 8-10 हज़ार जो गलत तरीके से पिछली खिड़की से घुस गए थे चोरी चकारी से, वो सुप्रीम कोर्ट ने बाहर निकाल दिया।